हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडुशाला। आप सभी जानते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि हमें जुलाई में बिहार 7th फेज का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में वो कौन से लोग हैं जो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं? तो क्लास 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए प्लस 2 यानी कि इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, साथ ही DLED या फिर BEd का कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। इसके साथ साथ आप या तो BTET या फिर CTET क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ ही अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट प्लस BEd पास होने चाहिए, इसके साथ ही आप CTET या BTET क्वालिफाइड होने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अब ऐसे में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि CTET में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। CTET 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको 60% लाने होते हैं, यानी कि 90 मार्क्स लाने होते हैं जिससे कि आप क्वालिफाइड माने जाते हैं। और 5% का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व्ड कैटेगरीज़ को, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स 82 मार्क्स पर क्वालिफाइड माने जाते हैं। मगर बिहार 7th फेज के लिए अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तभी भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, क्योंकि CTET ने ये साफ किया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कैंडिडेट्स को कितना रिलैक्सेशन देना चाहती है। तो आइए ये कैटेगरी वाइज जान लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए CTET में जिससे कि आप 7th फेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 60% मार्क्स हैं CTET में, यानी कि 90 मार्क्स है आपके CTET में, तो आप 7th फेज में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% मार्क्स यानी कि 82 मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप 7th फेज में अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं अगर आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको 50% मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप 7th फेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें फीमेल की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 55% मार्क्स पे यानी कि 82 मार्क्स पे एलिजिबल माने जाएंगे बिहार 7th फेज में अप्लाई करने के लिए। तो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो कम मार्क्स जिसने भी स्कोर किया है वो भी 7th फेज में अप्लाई कर पाएंगे। अब बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि CTET के मार्क्स के बेसिस पे क्या हमें सिलेक्शन प्रोसेस में कोई वेटेज मिलेगा या नहीं। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि अभी तक CTET के मार्क्स पे हमें सिलेक्शन प्रोसेस में वेटेज मिलता आ रहा था, मगर 7th फेज में क्या हमें वेटेज मिलेगा या नहीं। तो CTET के मार्क्स के बेसिस पे हमें जो भी वेटेज मिलता आ रहा था उसे अब से एलिमिनेट कर दिया गया है। 7th फेज में हमें किसी भी तरह का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। CTET बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इससे बस ये पता चलता है कि आप टीचर बनने के योग्य हैं या नहीं। इससे बस क्वालिफाई करना ही एक क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप CTET क्वालिफाइड हैं, आपके जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में जो भी मार्क्स होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप उतना ऑब्टेन कर लेते हैं तो बस वही एक क्राइटेरिया होता है किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी सिलेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए। और जैसे ही जुलाई में नोटिफिकेशन आएगी ये बात क्लियर हो जाएगा कि हमें CTET के मार्क्स पे किसी भी तरह का वेटेज मिलेगा या नहीं। आशा करते हैं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।